चलिए दोस्तों, नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट क्वेश्चन नंबर फोर नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से ट्राई करने का कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, ए सिलेंड्रिकल पीस ऑफ स्टील रॉड ऑफ 80 mm डायमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है स्टील रॉड का अपने पास? 80 mm डायमीटर। एंड 120 mm लेंथ, 120 mm लॉन्ग, 120 mm लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू एन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 50,000 kg, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 50,000 kg। कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 50,000 kg, ठीक है। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द पीस, गिवन क्या है अपन को? कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द पीस इफ बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू, इफ बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू 1.7 × 10⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज बल्क मॉडुलस गिवन टू अस एंड पॉइजन्स रेशियो एज 0.3 एंड पॉइजन्स रेशियो इक्वल्स टू 0.3। तो ये अपना दोस्तों क्वेश्चन है, क्या फाइंड आउट करना अपन को कि सिलेंड्रिकल पीस ऑफ स्टील बार दिया है जिसका डायमीटर अपने पास 80 mm दिया हुआ है, साथ के साथ उसकी लेंथ दी हुई है 120 mm, और उस स्टील लोड को अपन ने सपोज क्या किया, एक्सियली कंप्रेसिव लोड से अपन ने उसको सब्जेक्ट किया, यानी उस पर अपन ने एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगाया जिसका मैग्नीट्यूड अपने पास है 50,000 kg। कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ स्टील, तो उसका अपन को क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अपन को गिवन क्या क्या है, बल्क मॉडुलस गिवन है और पॉइजन्स रेशियो गिवन है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, अपन को चेंज इन वॉल्यूम, अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो एनी हाउ अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट कर लूं तो मैं चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकता हूं। क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अगर मैं ये वाली क्वांटिटी फाइंड आउट कर लूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ओरिजिनल वॉल्यूम मेरे को पता ही है, इसका वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एल। सिलेंड्रिकल रॉड का अपने पास एल अगर लेंथ है उसकी, जिसको आप हाइट भी मान सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। तो ये अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमीटर अपन को पता है, लेंथ भी अपन को पता है, पाई कॉन्स्टेंट है, तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं एप्सिलॉन वी फाइंड आउट कर लूँ, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट कर लूँ, तो फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है चेंज इन वॉल्यूम में आराम से निकाल सकता हूँ। अब बात आती है कि साहब अपना सिलेंड्रिकल रॉड अपन को दी हुई है, उसके लिए एप्सिलॉन वी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसकी जनरल इक्वेशन अपन कैसे ड्राइव करेंगे वो देखिए। पहले देखिए, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो मैंने आपको बताया वॉल्यूम ऑफ स्टील रॉड इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं करता हूं चेंज इन वॉल्यूम डीवी, चेंज इन वॉल्यूम मतलब डीवी, और इसमें पाई तो कांस्टेंट है, आर है वो वेरिएबल, आर यानी रेडियस, या फिर डायमीटर की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, आर है वो क्या हमारे पास, रेडियस, वो वेरिएबल है, एल है वो भी एक वेरिएबल है, तो इन दोनों को अपन को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आर वाला अपन डिफरेंशिएट करते हैं, पाई कांस्टेंट है, एल यू का यूं आ जाएगा, आर के लिए डिफरेंशिएट होकर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2R प्लस 2R, और यहाँ पे आ जाएगा अपना dr, 2R into dr,
डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो आपको ये चीज़ें दोस्तों समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आ रही तो अपने डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए। तो पाई एल कॉन्स्टेंट यूँ कहीं उठा लिया, डिफरेंशिएट करना था आर स्क्वायर को, तो उसका हो गया 2R इंटू डी आर। अब करेंगे अपन एल को, तो उसके लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा और एल का सिर्फ और सिर्फ सीधा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एल लेता हूँ तो 1 हो जाएगा, साथ में क्या ऐड कर दूंगा डी एल। देखिए अब मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों साइड को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम मतलब ये पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो जिसकी वैल्यू क्या है पाई आर स्क्वायर एल, और इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो जिसकी वैल्यू क्या है पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम कहीं लिख लिया, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या 2R इंटू डायम, ये अपना क्या है रेडियस फॉर्म है, तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे dr या फिर आप इसको er लिख लीजिए भाई। चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस इज व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन किसका, उसको r से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि रेडियस में चेंज है इसलिए मैं er से डिनोट कर रहा हूँ, प्लस पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट का डी एल अपॉन एल मतलब एप्सिलॉन एल दैट इज लेंथ का स्ट्रेन। आगे बात दोस्तों समझ में, तो ये मैंने जनरल इक्वेशन डिराइव कर ली, तो ये डिपेंड करेगा आपका कि आपकी शेप कैसी है, शेप ऑफ कंटेनर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, उसकी जनरल वॉल्यूम क्या है, तो उसके लिए एप्सिलॉन वी कैसे निकालूंगा वो आपको दोस्तों यहाँ से डिराइव करके देखना है, ठीक है। वो आपको यहाँ से डिराइव करके देखना है कौन कौन से कितने वेरिएबल है और उसका जनरल फॉर्मूला है जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का है वो क्या निकल के आता है वो अपन यहाँ से फाइंड आउट कर लिया अपन ने, ठीक है। टू टाइम्स ऑफ रेडियस का जो है वो वॉल्यूम वो स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूजनल डायरेक्शन में स्ट्रेन, या फिर इसको आप वर्टिकल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, ये अपना लॉन्गिट्यूजनल डायरेक्शन में स्ट्रेन हो गया। ई एक्स मान लीजिए ये अपना हो जाएगा ई वाई, अगर रोड को मैं इस शेप में बनाता हूँ तो ये सपोज इसकी लेंथ है और ये अगर इसकी रेडियस है, तो इसको एल वाले को मैं मान लेता हूँ एक्स डायरेक्शन, अगर फॉर रेफरेंस अगर मैं ये एक्स मानता हूँ और ये वाई मानता हूँ, तो ये अपना एप्सिलॉन एल को मैं डिनोट कर दूंगा एप्सिलॉन एक्स से और एप्सिलॉन आर रेडियस को वर्टिकल डायरेक्शन उसको कर दूंगा एप्सिलॉन वाई से। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जनरल इक्वेशन निकाल ली, अब एक एक करके दोनों को निकाल लेंगे अपन एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन एल। चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे, जिस जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो अपन साथ के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल अपन को पता चल गया कि अगर मेरे को एप्सिलॉन वी निकालना है उसके लिए 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन एल। अब देखिए ये अपनी सिलेंड्रिकल रोड है, ये इसकी लेंथ है एल और आर अपना क्या है रेडियस, उसको आप डायमीटर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कोई टेंशन नहीं है उसकी, ठीक है। ये एल हो गया अपना। अब देखिए ये मैंने एक्स डायरेक्शन मानी है, तो एप्सिलॉन एक्स की अगर मैं बात करता हूँ और इसको सब्जेक्ट किया अपन ने क्या कंप्रेसिव लोड से एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स से, तो कंप्रेसिव फोर्स कितना लग रहा है सपोज इसको मैं डिनोट करता हूँ पी से, कितना फोर्स लग रहा है पी इज इक्वल्स टू 50,000 किलोग्राम। तो अगर मेरे को स्ट्रेन निकालना है इन एक्स डायरेक्शन तो कैसे निकालूंगा दोस्तों, क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, जनरली एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन ई, सिग्मा एक्स अपॉन ई, एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई, क्योंकि अपन ने एक्सियल लोड लगाया और एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सिग्मा एक्स इज व्हाट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया, व्हाट इज फोर्स अप्लाइड 50,000 किलोग्राम डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया मतलब पाई बाय 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, पाई ऊपर चला जाएगा 4 इंटू डायमीटर अपने को कितना दिया हुआ 80 स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। चलिए दोस्तों सोल्व कीजिए इसको 50,000 इंटू 4 डिवाइड बाय पाई इंटू 80 स्क्वायर, या फिर आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि डायमीटर अपन को मिलीमीटर में दिया हुआ है पर बाकी जो पॉइजन जो अपन को मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस या फिर इन दोनों को यूज़ करके अपन जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे उसकी यूनिट क्या आएगी अपने पास किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो बेटर क्या होगा यहाँ पे जो मिलीमीटर है 80 mm डायमीटर उसको मैं यहीं पे ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो सिंपली कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए कितना आता है 50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 64, तो 994.71।
994.71, ये क्या आ गया अपने पास दोस्तों, सिग्मा एक्स, दिस इज किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इतनी बात समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन एक्स इज नथिंग बट एप्सिलॉन एल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, इसको मैंने क्योंकि एक्स माना इस डायरेक्शन को, इसको मैंने वाई डायरेक्शन माना है, तो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल। और ये कैसा आएगा यहाँ पे साइन, नेगेटिव, बिकॉज फोर्स इज कंप्रेशन, कंप्रेसिव फोर्स है, तो अपने पास निकल के आ जाएगा एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 994.71 डिवाइडेड बाय ई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या अपन को ई गिवन है, क्वेश्चन में क्या अपन को ई गिवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, सिर्फ और सिर्फ अपन को बल्क मॉडुलस गिवन है और पॉइजन रेशियो गिवन है। बल्क मॉडुलस क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो बल्क मॉडुलस अपन को दिया हुआ, पॉइजन रेशियो दिया हुआ, तो इन दोनों का रिलेशन यूज करके अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द रिलेशन, ई इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, ये रिलेशन याद है कि नहीं आपको, 3K 1 माइनस 2 म्यू, यहाँ से E निकाल लूंगा मैं, तो सबसे पहले E निकाल लेते हैं, 3 इंटू व्हाट इज E के 1.7 इंटू 10^6, 1 माइनस 2 इंटू म्यू दैट इज 0.6, तो ये 0.4 बच जाएगा। कैलकुलेट कीजिए E कितना आ रहा है, E को आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा अपने पास 2.04 × 10^6, 2.04 × 10^6 यूनिट क्या आएगी, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को अलग से नोट कर लीजिए दोस्तों। तो ऐसे सब अपन को एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले ये अपन ने दिखा दिया क्या रिक्वायरमेंट थी, ई अपन ने जहाँ जरूरत पड़ी अपन ने ई कैलकुलेट कर लिया। आप इस स्टेप को पहले भी कर सकते थे, वो कब पता चलता आपको, जब आप क्वेश्चन देखते ही, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, आपको पता चल जाता है कि साहब अपन को यहाँ पे ई कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा, तो आप उसको पहले भी सोल्व कर सकते थे। ये मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप की कब जरूरत पड़ी, तब अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना आ गया अपने पास, 2.04 × 10^6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के कहाँ रख दोगे, यहाँ रख दीजिए इसके डिनोमिनेटर में। तो एप्सिलॉन एक्स अपना कितना निकल के आ जाएगा, देखिए 994.71 डिवाइडेड बाय 2.04 × 10^6, ये अपना आ गया 4.876 × 10^-4। तो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल्स टू −4.876 × 10^-4, क्या यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, क्योंकि एप्सिलॉन क्या होता है हमारा, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। स्ट्रेन क्या होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्यों, क्योंकि नॉमिनेटर में भी लेंथ की यूनिट होती है और डिनोमिनेटर में भी लेंथ की यूनिट होती है, इसलिए एप्सिलॉन एक्स निकल के आ गया −4.876 × 10^-4। इसको लिख लीजिए अलग से। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव अपना क्या था, टू फाइंड आउट एप्सिलॉन वाई दैट इज इन वाई डायरेक्शन, जो कि अपनी डायमीटर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एप्सिलॉन वाई, चाहे आप उसको एप्सिलॉन डी लिख लो दैट इज डायमीटर के लिए, या फिर एप्सिलॉन आर रेडियस के लिए लिख लो, दोनों सेम आएगा, अपन ने कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, सिलेंड्रिकल स्टील रोड है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो फोर्स लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि स्ट्रेन अपन को निकालना है दोस्तों कहाँ पे निकालना है, वाई डायरेक्शन में निकालना है। अगर मैं जनरली अगर वाई डायरेक्शन के लिए अगर लिखता हूँ, अगर ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, y डायरेक्शन में एप्सिलॉन y के लिए अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या आएगा, सिग्मा y अपॉन e माइनस म्यू सिग्मा x अपॉन e। देखिए इस केस में सिग्मा y लग रहा है क्या, इस केस में कोई भी सिग्मा y लग रहा है, फोर्स इन y डायरेक्शन लग रहा है, नहीं, फोर्स सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये टर्म कैंसिल होगी कि नहीं होगी, जीरो बच गई अपने पास ये टर्म, तो इसमें क्या पुट करूंगा मैं, माइनस म्यू, सिग्मा कैसा है मेरा, कंप्रेसिव, तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा पॉजिटिव म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो जो भी सिग्मा एक्स अपॉन ई की वैल्यू आई दोस्तों, उसको आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने म्यू से, म्यू इज गिवन टू अस दैट इज पॉइजन रेशियो इज गिवन टू अस इक्वल्स टू 0.3, तो उसको 0.3 से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए क्या वैल्यू आ रही है, यह आएगी आपके पास 1.463 × 10^-4, 463 × 10^-4, अगेन यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये अपने पास एप्सिलॉन वाई आ गया दोस्तों। चलिए अब अपना चलेंगे वहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन में, जो अपन ने स्टार्टिंग में डिराइव की थी फॉर द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या किया था अपन ने, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉज इक्वल्स टू
टू टाइम्स तो था एप्सिलॉन वाई के बराबर एंड प्लस वन टाइम था एप्सिलॉन एक्स के बराबर। आगे बात समझ में, एक तो था अपना एप्सिलॉन एक्स और टू टाइम्स था एप्सिलॉन वाई के बराबर। तो चलिए अब वैल्यू पुट कीजिए फटाफट इसमें। 2 इंटू एप्सिलॉन वाई कितना है 1.463 इंटू 10^-4 प्लस एप्सिलॉन एक्स अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है माइनस, प्लस है तो इसको डायरेक्टली माइनस लिख लीजिए 4.876 इंटू 10^-4। चाहे तो 10^-4 कॉमन करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ईजी पड़ेगा आपके लिए। तो फाइनली मेरे को आंसर देख के फटाफट सॉल्व कीजिए क्या आता है आपका। एक बार कॉन्सेप्ट पता लगने के बाद तो फिर कैलकुलेशन फटाफट हो जाती हैं, ध्यान रखना है बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो अपनी किसी भी तरह से, नहीं तो इतना पूरा कॉन्सेप्ट आपको आता है, क्वेश्चन पूरा आता है, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है अपने पास 1.463 इंटू 2 दैट इज 2.926 माइनस ये क्या आएगा अपना 4.876 माइनस 4.876 तो ये तो आ गया अपने पास माइनस 1.95 इंटू 10^-4 ये क्या आ गया एप्सिलॉन वी। अब एप्सिलॉन वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू माइनस 1.95 इंटू 10^-4। निकालना क्या था अपन को, फाइंड आउट द चेंज इन वॉल्यूम, ये थी अपने ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट द चेंज इन वॉल्यूम। ये रहा चेंज इन वॉल्यूम, तो क्या करूंगा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वॉल्यूम को इधर ले जाऊंगा मैं, और वॉल्यूम मेरे पास क्या है पाई आर स्क्वायर एल। तो माइनस 1.95 इंटू 10^-4 इंटू पाई इंटू आर, आर है अपने पास 80 mm square है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 40, तो 40 स्क्वायर इंटू ये किस में हो गया mm स्क्वायर में, लेंथ का स्क्वायर हो गया ना mm स्क्वायर, और एक लेंथ हो रहा जाएगी अपने पास, ये कितना दिया हुआ है 120, या फिर आप इसको उसमें ही रख सकते हो 40 इंटू 120। इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, चेंज इन वॉल्यूम अपनी किस में आ जाएगी मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगी। फिर आप जिसमें भी इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं सेंटीमीटर में फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे किसी में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज अगर अपन सेंटीमीटर में, अपन मिलीमीटर में ही फाइंड आउट करते हैं, तो चलिए 1.95 इंटू 10^-4 इंटू पाई इंटू 40 स्क्वायर इंटू 120, तो ये दोस्तों अपने पास निकल के आ गया 117.621 मिलीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया चेंज इन वॉल्यूम, किस में आया ये मिलीमीटर क्यूब में आया, ध्यान रखिएगा अगर आप इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे तो आपका आंसर थोड़ा अलग आएगा। तो 117.621 मिलीमीटर क्यूब और साथ में नेगेटिव साइन, व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन शोज, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है अपना कि एज द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 50,000 किलोग्राम इज अप्लाइड ऑन द स्टील रॉड देयर विल बी ए चेंज डिक्रीज इन वॉल्यूम। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, देयर विल बी ए डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ, इसका अपने पास आ गया कितना होगा 117.621 मिलीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में लोगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.1176 माइनस 0.1176, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आपका। तो वो सब टेंशन नहीं कि किसमें सेंटीमीटर क्यूब में लेना है कि मिलीमीटर में, बात है कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले अपन ने रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या क्या चाहिए था वो अपन ने देख लिया फटाफट, फिर उनको निकालना कैसे बाय यूजिंग रिलेशन निकालना या फिर बाय यूजिंग सम अदर कॉन्सेप्ट, तो वो आपको पता होना चाहिए, फिर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन रहेगी और फाइनल आंसर आपको निकाल के देना है ऐसे, ठीक है। तो ये अपना आ गया चेंज इन वॉल्यूम यूज़ करो 117.621 मिलीमीटर क्यूब। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।